1969 में गुजरात के एक केमिस्ट और लैब टेक्नीशियन डॉक्टर करसन भाई पटेल ने अपने घर पर ही एक डिटर्जेंट पाउडर बनाया, जिसे वे अपने काम पर साइकिल से जाते हुए रास्ते में लोगों को बेचा करते थे। उन्होंने इस डिटर्जेंट पाउडर का नाम निरमा अपने डॉटर निरुपमा के नाम पर रखा, क्योंकि करसन भाई चाहते थे उनकी बेटी निरुपमा वेल एजुकेटेड हो और सारी दुनिया उन्हें जाने। बट निरुपमा का बहुत ही यंग एज में कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। उन्होंने निरुपमा का इलस्ट्रेशन पैकेज पर और टीवी एड्स में डाला ताकि हर कोई उन्हें जान सके। इवन आज भी वो एड इतना पॉपुलर है कि लोग वैक्सीन पाउडर को निरमा से जोड़ देते हैं। करसन भाई ने निरमा की पैकेजिंग अपने घर पर एक 10x10 के रूम से स्टार्ट किया था, जिसे वे इंडिया के हर एक मिडिल क्लास फैमिली तक लेके गए। इसका मेन रीजन था कि उन्होंने निरमा की इनिशियल प्राइस 3.5 रुपीस पर केजी रखा, जो उस समय की लीडिंग डिटर्जेंट ब्रांड जैसे टाइड एंड सर्फ एक्सल की प्राइस का 1/3 था।